हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो आपके भी मन में अक्सर आ जाता होगा वो ये कि आखिरकार एक्सेस की जरूरत क्यों पड़ी, एक्सेस क्यों इतना यूजफुल है और एक्सेल जब है तो फिर एक्सेस का क्या काम है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक्सेल 365 मेरे पास है और इसी के साथ साथ एक्सेल के बाद एमएस एक्सेस 365 भी मेरे पास है। तो मैं दोनों ही ओपन कर लेता हूं, ये एक्सेस ओपन हो चुका है और यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 ये भी मैं ओपन कर लेता हूं। अब दोनों का इंटरफेस आप देख सकते हैं, ये एक्सेल है और ऊपर आपको एक्सेस दिखाई पड़ रहा है, ये गुड इवनिंग लिखा भी हुआ है यहां पे और यहां पे लिखा हुआ है गुड इवनिंग, तो ये एक्सेस आपको दिखाई पड़ रहा होगा और साथ में एक्सेल भी। एक्सेल को ओपन करते हैं तो यहां से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं तो सिनेरियो कुछ ऐसा नजर आता है। आप देख सकते हैं ये एक्सेल है, इसमें भी ऊपर टाइटल बार नजर आएगा आपको, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है उसे टाइटल बार कहते हैं। यहां पर आपको टाइटल देखने को मिल जाता है, फिर मेन्यू बार होता है, फिर इसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फिर फॉर्मूला बार होता है, नेम बॉक्स होता है और नीचे वर्क एरिया है और सबसे नीचे ये स्टेटस बार आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक्सेल है, ठीक है, और इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये कॉलम्स बने हुए हैं और यहां पर रोज बने हुए हैं। तो ये रोज हैं, ये कॉलम है, रोज और कॉलम्स के ही तो मिलने से बनता है स्प्रेडशीट। तो ये हो गया आपका एक्सेल। और यहां पर एक्सेस को जरा देखते हैं तो यहां पर भी ब्लैंक डेटाबेस नजर आ रहा है, वहां पे ब्लैंक वर्कबुक नजर आ रहा था और यहां पर आपको नजर आ रहा है ब्लैंक डेटाबेस। तो यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर ये ब्लैंक डेटाबेस वाला सेक्शन यहां पे इस तरीके से ओपन हो जाता है और यहां पर हमें क्रिएट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके से नजर आता है। बाकी यहां पर टाइटल बार तो आपको दिख ही रहा होगा, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और फिर यहां पर ये वर्क एरिया है, लेकिन यहां पर आप डायरेक्टली डेटा एंटर कर नहीं पाएंगे। तो इसको एंटर करने का क्या तरीका है, कैसे यहां डेटा एंटर होगा, एक्सेल तो आप जानते ही हैं कैसे एंटर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहां एक्सेल में लिखा, क्या लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लिख दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, REG और NO लिख देते हैं, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर मैं टाइप कर देता हूं E001, ठीक है, और फिर यहां पे E002, और अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके एक ही बार में और नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि एक सीरीज में नंबर्स आते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेस की क्या खासियत है, तो एक्सेस में अगर हम आते हैं तो यहां पर हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहां से व्यू पे जाना पड़ेगा और व्यू पे जाके यहां से डिजाइन व्यू पे जाना पड़ेगा। जैसे डिजाइन व्यू पे जाएंगे तो यहां पर ये कहेगा कि टेबल का नेम क्या देना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट नेम टेबल वन है, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां से मैं बैक स्पेस की प्रेस करके इसे हटा देता हूं और यहां पर एक नेम दे देता हूं, स्टूडेंट, क्या नाम दे देता हूं, स्टूडेंट नाम दे देता हूं, और ये स्टूडेंट नाम देकर के जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पर ये सब चीजें दिखाई देंगी आपको। पहले क्या दिखाई दे रहा है, पहले आपको दिखाई दे रहा है फील्ड नेम, दूसरा डेटा टाइप दिखाई दे रहा है और तीसरा डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। अब इसमें क्या होगा, अच्छा यहां पर एक चाबी सी आपको दिखाई पड़ रही होगी, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी की है, क्या एक्सेल में कोई प्राइमरी की जैसी चीज होती है, नहीं होती है। पहले तो की फैक्टर ही इसे अलग करता है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, इसमें रो और कॉलम्स बने होते हैं और ये जो है डेटाबेस है, ये दूसरा डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये की फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, अब यहां पर मान लीजिए स्टूडेंट की आईडी आएगी तो आप आईडी एंटर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर रजिस्ट्रेशन आईडी ही कर देता हूं तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर लगा के लिख देता हूं आईडी। अब यहां पर आपको अलग अलग डेटा टाइप्स मिल जाते हैं, एक्सेल में भी मिलता है लेकिन इस तरीके से नहीं मिलता है। तो यहां पर अगर शॉर्ट टेक्स्ट रख देता हूं और यहां पर आता हूं तो यहां पर स्टूडेंट नेम या नेम ऑफ स्टूडेंट कर देता हूं तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया और यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट ही डेटा टाइप रखते हैं और यहाँ व्यू पे क्लिक करना है, कहां पे क्लिक करना है, व्यू पे। अगर आप कुछ और भी नीचे देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए व्यू पे क्लिक किया है तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में आप देख ही रहे हैं यहां पर भी हम नेम ऑफ स्टूडेंट एंटर कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट डायरेक्टली एंटर कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली तो एंटर कर पा रहे हैं लेकिन यहां पर अगर मैं ये देखिए यहां पर 1 2 3 आ रहा है ना, अगर मैं यहां पर 2 लिख दूं, ठीक है, या गलती से हो भी जाए, ठीक है, और यहां पे 4 ही कर दूं 5 के जगह, तो यहां पे नंबर रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, होने दे रहा है एक्सेल, इसका अपोज नहीं कर रहा है कि नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये एक यूनिक आईडी है। लेकिन यही चीज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आते हैं
तो यहां पर अगर मैं कोई नंबर एंटर कर देता हूं लाइक E001 एंटर कर दिया, अब यहां पे स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम तो रिपीट हो सकता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्या E001 यहां पे किया है, यहां पे टू कर देते हैं और यहां पे श्याम कर देते हैं और यहां पर आते हैं जैसे ही तो यहां पे E002 करते हैं, फिर से टू करते हैं और यहां पे राकेश लिख देते हैं एक नाम, तो ये लिख दिया। अब यहां पर आए तो जैसे ही नीचे जाते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो हमें ये बताता है कि जो आपने यहां पे एंटर कर दिया है वो प्राइमरी की का वायलेशन है, यानी आपको क्या करना है, यहां पर यूनिक नंबर ही डालना पड़ेगा, यानी इससे अलग हटके कोई भी नंबर आप डालिए जो ऊपर दो जो यहां पे रोज बने हैं उनमें ना पड़े हो, तो उसी से ये डिफरेंशिएट हो जाता है। एक्सेल में आपको ऐसा करने की इजाजत मिल जाती है, जबकि एक्सेस में प्राइमरी की के फील्ड में ये करने की इजाजत नहीं मिलती है। फॉरेन की में आप कर सकते हैं, यहां पर अगर आप आते हैं तो आप कर पाएंगे, लेकिन पहले तो आपको इसको हटाना ही पड़ेगा, तो यहां 3 कर देते हैं और यहां पे आते हैं तो E004 कर देते हैं, तो ये 4 हो गया। अब यहां पे एक और नाम लिख देते हैं हिना, ठीक है, लेकिन क्या हम यहां पर जो ऊपर नाम लिखे हैं उसको रिपीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसे हम फॉरेन की कहते हैं। तो ये जो की का फैक्टर है ना, ये जो की का फैक्टर है वो चीज जो है एक्सेस में होता है, एक्सेल में नहीं होता है। तो यहां पे देखिए ये एक्सेल है, इसमें कहीं भी की का फैक्टर आपको नहीं नजर आएगा, क्लियर है ना, ये चीज 100% क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सेस में की का फैक्टर आता है। एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, डेटाबेस नहीं है, ये स्प्रेडशीट है। हम कई बार ये भी कह देते हैं और ये चल भी जाता है कई बार कि ये एक डेटाबेस है, तो डेटाबेस नहीं है ये क्या है, ये एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट रो और कॉलम्स से मिलके बना होता है, क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहां पे नेम तो आप रिपीट कर ही सकते हैं, हर एक चीज को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेस में जिसे आप प्राइमरी की बना देंगे उसे आप रिपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन रुकिए, अब यहां से व्यू पे चलते हैं और यहां से डिजाइन व्यू पे आते हैं, और यहां पर अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का आधार नंबर लिखते हैं, ये लिखा हमने आधार_ID, ठीक है, और इसका डेटा टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं, लेकिन एक टेबल में, एक्सेस में एक टेबल में एक फील्ड में एक, मतलब एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी जब भी होगी, ठीक है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते, ठीक है। प्राइमरी की बनाने का तरीका है कि यहां पर क्लिक कर देंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगा, तो यहां पर भी आपको दिख रहा है तो इस पर भी क्लिक कर देंगे तो बन जाना चाहिए, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, ऊपर वाला हट जाएगा, तो हमें ऊपर वाले को ही प्राइमरी की रखना है, नीचे वाले को प्राइमरी की नहीं रखना है। लेकिन अगर आधार आईडी आएगा तो वो तो रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर यही चीज अगर आप एक्सेल में लिख देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया आधार आईडी, तो ये हो गया आधार और यह अंडरस्कोर लगा के लिख देते हैं आईडी, तो यहां पर अब किसी स्टूडेंट का नेम होगा तो उसकी आधार आईडी तो रिपीट हो जाएगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए यही है, तो इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये तो रिपीट हो रहा है और हम नीचे भी एंटर होते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन क्या एक्सेस में ऐसा है, तो एक्सेस में तब ऐसा नहीं होगा जब आप इसे कंपोजिट की बना देंगे। कौन सी की बना देंगे, कंपोजिट की। अब कंपोजिट की कैसे बनेगी, तो ये आधार आईडी जो फील्ड नेम दिया है हमने, उस सेक्शन में आ जाइए और यहां पर आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ है नीचे फील्ड्स प्रॉपर्टीज में नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है क्या, इंडेक्स्ड। अब इंडेक्स्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, यस डुप्लीकेट ओके, तो इसको आपको हटा देना है और यहां से कर देना है यस नो डुप्लीकेट, ठीक है, तो यहां पे यस नो डुप्लीकेट करके और इसको सेव करके यहां व्यू पे क्लिक करके और यहां से यस कर दीजिए। जब आप ये काम कर देंगे तो यहां डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये वैल्यू हमने दे दिया, मान लीजिए ये आधार आईडी है, तो हम इसी सेम वैल्यू को यहां पर नहीं एंटर कर सकते। देखिए मैं यहां पे एंटर करके दिखा भी रहा हूं, 4254 जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं, फिर 25 फिर क्या है 4242 हो गया और फिर 52, तो यहां पर क्या ये रिपीट हो पाएगा, तो देखिए फिर ये वही चीज आएगा, ये प्राइमरी की नहीं बनाया हमने इसे, लेकिन ये वायलेशन कर रहा है, तो यहां पर आपको चेंजेस करके देना होगा, ठीक है, तो यहां पर चेंजेस कर दिया हमने, अब ये चल जाएगा, ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आएगी यहां पर। अगर आप ये चाहते हैं कि कॉपी करके और इसको रख दें, यहां पे आए हम कॉपी किया और इसी सेम वैल्यू को यहां पे पेस्ट कर दें हम, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये दिक्कत कर देगा, लेकिन एक्सेल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैं इसी चीज को चाहूं तो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये एक्सेल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है,
एक्सेल जो है क्या है, स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट है। अब देखिए इसको भी कॉपी करके अगर मैं पेस्ट कर देता हूं तो ये चल जा रहा है, फिर नीचे वाले सेक्शन में भी हम आ जा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही चीज एक्सेस में नहीं हो पाएगी। तो इसे कहते हैं कंपोजिट की, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्सेल में और एक्सेस में, और एक्सेस को बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। और एक्सेस आपको सीखना जरूर चाहिए, काफी अच्छा है। अगर आप इसको सीखते हैं तो आगे की आने वाली चीजें, जैसे अगर आप बीसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एसक्यूएल, माईएसक्यूएल वगैरह वगैरह पढ़ना होता है, उसमें काफी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आपको एक्सेस आती है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।